तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्नैक्स से भरा हुआ यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं एक जगह में काम कर रहा था तो तभी मुझे एक रेस्क्यू कॉल आया था, तो काम से मैं तुरंत रेस्क्यू करने चला गया। तो आप लोग देखिए कौन सा सांप था और कैसे मैंने रेस्क्यू किया सेफली। मेरे साथ सेफ्टी शू वगैरह नहीं था तो फिर भी मैंने सांप को सेफली रेस्क्यू किया। तो आप लोग देखिए कहाँ पर था सांप और कैसे रेस्क्यू किया, पूरा फुल वीडियो देखिए। দুইটা ইট দিয়ে দুই সাইডে দুইটা ইট দিয়ে দে, এরকম ভাবে ঢুকবো না। ভিডিওটা করে দে রে, আমি ভিডিওটা করে দে খালি। एक मोनोक्लेक कोबरा है और गाइस मैं एग्जाम में काम कर रहा था तो तभी मुझे रेस्क्यू कॉल आया था, तो जाके देखा तो मोनोक्लेक कोबरा था, हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक। और ये इसका साइज मैक्सिमम 6 फीट जैसा होगा, बहुत ही बिग साइज का है। और मैं अभी सेफ्टी शू नहीं पहनना क्योंकि मैं डायरेक्ट रेस्क्यू करके मतलब काम से डायरेक्ट निकल गया रेस्क्यू करने के लिए, और वो हमेशा बंदा रहता है मेरे बाइक पे। तो अभी इसको रिजर्व में लेके आ गया, अभी यहीं पे रिलीज कर देंगे सेफली। आप लोग देखिए गाइस, देखिए बहुत ही दिखते हैं गाइस, का लेन देखिए बहुत ही लंबा है, फोकस सुनिए इसको। तो गाइस देखिए इसका मूवमेंट, मेरा कैमरा जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूँ उसी तरफ इसका फन से वो फोकस कर रहा है। तो इसके सामने ज़्यादा नज़दीक जाने से तुरंत बाइट कर देगा, तो छेड़खानी ना करके हम लोग इसको जाने के लिए देते तो ये नहीं जा रहा था। तो तब तक मैं थोड़ा वीडियो कर लेता हूँ, आप लोग देखिए इसका फन कैसे छोटा कर रहा है।
देखिए इसका फन एकदम छोटा कर लिया। गाइस देखिए ये कुछ खाया था मेंढक शायद, देखिए कितना बड़ा मेंढक खाया था, देखिए उल्टी कर दिया जल्दी भागने के लिए। तो गाइस देखिए ये कैसे मेरी तरफ देख रहा है, फोकस कर रहे हैं, इसको डर है कि मैं इसका कुछ नुकसान ना कर दूँ, इसी वजह से बार बार मेरी तरफ देख रहा है। तो गाइस मोनोक्लेट कोबरा बहुत ही हाईली वेनम स्नेक होता है, तो कभी बाइट करने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसका अगर इलाज ना हो तो मौत हो जाता है। तो कभी भी अगर बाइट करे कोई भी सांप तो हमेशा ओझा गुनी के पास ना जाके हॉस्पिटल में जाइए, तुरंत हॉस्पिटल में जाने से एंटीवेनम देने से तभी आपका जान बच पाएगा। तो कभी भी अंधविश्वास के तरफ मत जाइए गाइस। तो देखिए ये कैसे जा रहा है अपने रास्ते, जा रहा है बहुत ही बीच का था गाइस।